रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और लेक्चर नंबर 8 और ये पार्ट 1 है। हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने सीसीटीवी के अंदर हम लोगों ने लेंसेज देख ली, सेंसर्स देख लिए, कंप्रेशन टेक्निक्स देख ली, आईआरएसएस वगैरह और कैमरा के कुछ ऑप्शंस वगैरह भी देख लिए, ठीक है। मगर हम लोगों ने असल में अभी तक मेन चीज़ देखी ही नहीं कि कैमरे की टाइप्स कौन कौन सी होती है और आखिर कैमरा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्यों? क्योंकि जो लोग आउटडोर या सीसीटीवी से रिलेटेड हैं और आउटडोर की जॉब्स करते हैं, उनको सीसीटीवी कैमरास का पता होना चाहिए। कि लाइक अगर कोई बोलता है कि मुझे जो है ना फलां कैमरा चाहिए, तो बोले नहीं जी, इस जगह ये रेकमेंड नहीं किया जा सकता, इस जगह ये रेकमेंड किया जा सकता है। ये उसी सूरत में मशवरा दे सकता है इंसान, ये एडवाइस दे सकता है जब उसको कैमरे की टाइप्स के बारे में पता हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये आ गया जी आईपी रेटिंग। देखें, कैमरे की टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप जब डाटा शीट्स में देखेंगे ना, अब हमारे ये प्रैक्टिकल चीज़ें शुरू हो गई हैं। लाइक मिसाल के तौर पे जब आप डाटा शीट लेने के लिए जाएंगे, तो आप लोग डाटा शीट लेने के लिए नहीं, मतलब डाटा शीट देखने के लिए जाएंगे ना, तो आप लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे उसकी स्पेक्स के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से आप में से कई लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी, जब आप लोग कोई जब हम में से कोई जब यानी जब कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है, तो उसको एक नंबर दे देते हैं और वो नंबर कहलाता है आरएफसी, लाइक रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो उसको भी एक नंबर दिया जाता है, मगर उसको एक कमीशन नंबर देती है। वो कमीशन कौन सी कहलाती है? वो आईईसी कहलाती है। अभी आईईसी क्या है? ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन कहलाती है। और आईपी रेटिंग, ठीक है ना, उसने भी इस रेटिंग का एक नंबर दे दिया, ठीक है। वो नंबर कहलाता है जी 60529, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 605 क्या चीज़ आ गई, तो मैं अब आपको बताता हूँ। एक सेकंड, मुझे बॉल पेन लेने दें। हाँ जी, तो एक कमीशन थी जी आईईसी के नाम से, ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन कहलाती है, और इसका जो नंबर होता है वो होता है जी 60529, ठीक है जी। इस कमीशन ने ये एक नंबर दे दिया और एक रेटिंग बना दी। वो रेटिंग क्या है? जब कभी भी आपके कैमरे के अंदर, जब कभी भी आपने कैमरे के अंदर उसकी सॉलिड प्रोटेक्शन चेक करनी हो या लिक्विड प्रोटेक्शन चेक करनी हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ें चेक होती हैं इस रेटिंग के ज़रिए। शुरू शुरू के अंदर, मतलब सॉलिड से क्या मुराद है, लिक्विड से क्या मुराद है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। शुरू शुरू के अंदर जो है ना, ये जो आईपी रेटिंग है ना, ये 4 डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल थी, ठीक है। पहले वाली सॉलिड प्रोटेक्शन, पहला वाला नंबर जो है ना सॉलिड प्रोटेक्शन बताता था कि कितना ये बर्दाश्त कर सकता है अगर सॉलिड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। कितने, मतलब कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई क्रोजन वगैरह है, या कोई इस तरह के कोई भी, ठीक है, या किसी ने उसकी, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट साइजेस वगैरह, तो ऑब्जेक्ट साइजेस में आप लोग देख रहे हैं, तो इसी तरीके से अभी मैं बताऊंगा ये सॉलिड पार्टिकल्स के साइजेस हैं, ठीक है। जो दूसरा नंबर होता था वो लिक्विड प्रोटेक्शन बताता था, ठीक है। तीसरा वाला नंबर जो था वो मैकेनिकल इम्पैक्ट बताता था, यानी लाइक मैकेनिकल नंबर वो बताता था कि कितना लंबे अरसे तक आपका कैमरा चल सकता है, ठीक है, इस एनवायरनमेंट के अंदर। जो चौथा डिजिट था वो दूसरी प्रोटेक्शन ऑप्शन जो है ना ऑप्शंस बता रहा होता था। तो ये जो 4 डिजिट नंबर था ना, जो आखिरी चौथा वाला डिजिट था जो अदर प्रोटेक्शन बताता था, वो तो ऑब्सोलीट हो गया, तो ये एक मसला था, वैसे ही हल हो गया। फिर बारी आई तीसरे नंबर की, जो मैकेनिकल नंबर बताता था वो भी लॉन्गर यूज़ नहीं होता, मतलब इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, ठीक है जी, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब रह गए सिर्फ 2 डिजिट्स। पहले वाला डिजिट वो सॉलिड प्रोटेक्शन बताता है। मिसाल के तौर पे अगर उसकी रेटिंग, अच्छा, जो नंबर होता है वो होगा 0 से लेके 6 तक। पहले वाला जो नंबर होगा वो 0 से 6 तक का होगा, 0 कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अंदर जा सकते हैं भाई, ठीक है। अब उसका कोई भी साइज़ हो सकता है, इवन कोई भी साइज़ हो सकता है, मतलब कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है ना। अच्छा, 1 अगर हुआ तो क्या बताएगा? ग्रेटर देन 50 मिलीमीटर से जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, ये उनको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये उसकी आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि लार्ज सरफेस ऑफ द बॉडी सच एज ब्लैक बैक ऑफ हैंड्स और नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेलिब्रेट कॉन्टैक्ट विद द बॉडी पार्ट, सही है ना। मतलब जस्ट बस आपने ये याद रखना है कि 50 मिलीमीटर से जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको ये प्रोटेक्ट कर लेगा। 2 पे आ जाएंगे तो 12.5 से बड़ा, और 3 पे 2.5, इस तरह से चलते चलते जब आप 5 पे पहुँचेंगे,
ये और 5 और 6 जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रेटिंग है। 5 पे पहुंचेंगे तो वो डस्ट को प्रोटेक्ट कर लेगा। नॉर्मली जो आपके स्क्रूज होते हैं या थिक वायर्स होती हैं या जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो 1 मिलीमीटर से बड़े होते हैं, या आप ये कह लो 1 मिलीमीटर जितने होते हैं, ठीक है। तो जो 5 है ना वो डस्ट को प्रोटेक्ट कर लेगी। अभी ड्रॉपलेट्स की मैं बात नहीं कर रहा, अभी बस मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाइक आपने कोई भी डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है ना, तो वो डस्ट प्रोटेक्टेड 5 अगर रेटिंग होगी तो वो डस्ट को प्रोटेक्ट कर लेगा। वो भी 100% नहीं करता, मगर आप ये समझ लें कि तकरीबन कर ही लेता है, ठीक है। जो 6 होगा ना, जो 6 होगी अगर जो मैक्सिमम रेटिंग होगी 0 से 6 तक होती है, अगर 6 होगी तो वो डस्ट टाइट होती है। वो डस्ट टाइट का मतलब ये हो गया वो कोई डस्ट पार्टिकल को जाने ही नहीं देगी, ठीक है, वो टाइट इंपैक्ट हो गया। तो ये जो पहले वाली रेटिंग है 0 से 6 तक की होती है, और ये सॉलिड प्रोटेक्शन बता रही होती है, सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल बता रही होती है, ठीक है। दूसरा अब ये नंबर आ गया, इसकी रेटिंग 0 से लेके 8 तक की होती है। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन और मिनिमम कॉम्बिनेशन क्या हो गया, IP00 इज़ द मिनिमम कॉम्बिनेशन और IP6 और इधर की 8, तो IP68 ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा, 0 पे वही नो प्रोटेक्शन, 1 पे ड्रिपिंग वाटर अगर कोई पानी टपक रहा है, ठीक है। 2 पे वो उसने एंगल बता दिया 15 डिग्री पे टिल्ट अप होगा तो फिर भी वो बचा लेगा, इन सब झंझरों में ज़रूरत नहीं है पड़ने की ज़्यादा, ठीक है। 3 पे स्प्रिंग वाटर, 4 पे स्प्लैशिंग वाटर खींच के किसी ने जी एक बाल्टी पानी ली और कैमरे पे मार दिया तो वो स्प्लैश वाटर को जो है ना वो कर सकता है, नहीं जाने देगा पानी को अंदर से, ठीक है। और इसी तरीके से स्प्रेइंग वाटर, किसी के पास स्प्रे है और उसने जो है ना वो स्प्रे कर रहा है, रोक लेगी, ठीक है, अगर उसकी रेटिंग 3 हुई। 5 पे वाटर जेट्स, ठीक है, कोई नोज़ल से अगर आप पानी देते हैं, या लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि जब गाड़ी वॉश हो रही होती है तो फिर वो नोज़ल से पानी दे रहे होते हैं, मगर उतना तेज़ प्रेशर का नहीं चाहिए, मगर वैसे नोज़ल से अगर आप पानी दे, लाइक आप यूजुअली जो बाहर पानी डालते हैं उस पाइप से वो प्रेशर दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। 6 पावरफुल वाटर जेट्स, ठीक है, कोई उसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी IP66 का क्या मतलब हो गया, उधर की 6 और इधर की 6, ठीक है। 7 में, 7 के अंदर देखें, 6 के अंदर हो गया पावरफुल वाटर जेट्स, मतलब लिक्विड इन अंदर नहीं हो सकता, इंट्रोड नहीं हो सकता कैमरे के अंदर, दाखिल नहीं हो सकता पानी। 7, 8 के अंदर क्या होगा, 7 के अंदर आप एक सर्टेन टेम्परेचर और एक सर्टेन प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए 1 मीटर की डेप्थ के अंदर आप जो है ना कैमरे को डिप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यूजुअली 1 मीटर ऑफ सबमर्जन ऑफ अ कैमरा इट इज़ पॉसिबल। 8, ये जो आपने अक्सर देखा होगा लोग कैमरा लेके समुंदर में कूद जाते हैं, ये वही होते हैं इमर्जन बियॉन्ड 1 मीटर, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये समझ लें ये बिल्कुल टाइट एंड सील्ड होते हैं और इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये जो IP रेटिंग होती है ये मैंने बता दी। अब आप जब कैमरा लेने के लिए जाते हैं तो मिनिमम हमें IP65 रिक्वायर्ड होता है वहाँ से 6, ताकि डायरेक्टली डस्ट प्रोटेक्टेड हो, और 5 यहाँ से वाटर जेट्स, एटलीस्ट वाटर जेट्स कर सके। क्यों? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब फॉग होती है या रेनिंग फॉग और जो डस्ट होती है वो जो है ना हमें इससे रिक्वायर्ड होता है कि कैमरा इससे प्रोटेक्टेड हो, तो वो ये रेटिंग चेक की जाती है। डाटा शीट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ होगा IP रेटिंग, ठीक है, या वाटर इंग्रेस लेवल लिखा होगा, सही है। और मैंने आपको IP से बता दिया, इंग्रेस प्रोटेक्शन बनता है, इंग्रेस प्रोटेक्शन, अगर नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। यानी IP रेटिंग से क्या बन गया, ये बनता है जी आपका इंग्रेस और ये प्रोटेक्शन बन गया, ठीक है जी। इंग्रेस प्रोटेक्शन, इंग्रेस लिक्विड ही होता है, ठीक है। तो रेटिंग हो गया, आप ये समझ लो कि लेवल ऑफ इफेक्टिव सीलिंग बता रहा होता है ये किसी भी इलेक्ट्रिकल इंक्लोजर की, ठीक है, कि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है ना दाखिल ना हो सके, लाइक डर्ट हो गई, लाइक डस्ट हो गई, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। पहला डिजिट बता दिया आपको कि इंग्रेस बताता है सॉलिड के अगेंस्ट, दूसरा डिजिट इंडिकेट कर रहा होता है लिक्विड के अगेंस्ट इंग्रेशन को, ठीक है। आगे चलते हैं, IP रेटिंग के अलावा जो है ना एक और उसी के इक्विवेलेंट एक और रेटिंग बन गई नीमा, ठीक है। नीमा स्टैंड फॉर आप देख लेगा, मेरे ख्याल है ये होता है इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन कुछ होता है, ये आप देख लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम यूज़ होती है मगर कुछ डाटा शीट्स के अंदर यूज़ होती है, तो ये भी इक्विवेलेंट रेटिंग है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक OSI मॉडल था और एक आपका
टीसीपी आईपी था, ठीक है, दोनों काम एक ही कर रहे होते हैं, बस फर्क होता है उसमें लेयर का डिफरेंस होता है, इसमें भी रेटिंग का नंबरिंग का डिफरेंस है दोनों। अगर आपके सामने IP66 आ गया तो उसके लिखा हुआ होगा नीमा रेटिंग में लिखा होगा 4 और 4X, आप देखते ही समझ जाएंगे हाँ जी 66 है, ठीक है। 65 लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे 12 12K, और 13 से इंडिकेट किया हुआ होगा 64 से 3 32 से 3R, 31 होगा तो 2 और 30 होगा तो। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच बीच की रेटिंग कहाँ चल गई, जब आप ये नीमा का पूरा टेबल देखेंगे ना तो आ जाएंगे। मेन इसमें यही यूज़ होते हैं 6.5 और 6.6, आपने देखना होता है हर दफ़ा कैमरे के अंदर हम लोग 6.5 और 6.6 देखते हैं, ठीक है। 6.6 आउटडोर के लिए, 6.5 इंडोर के लिए। ये आउटडोर इंडोर क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं। अब आ जाती है जी एक और रेटिंग, सही है ना, EN कह लें या IEC कह लें, कोई कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एक और स्टैंडर्ड बनाया जी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ ने, जो है ना एक और एक इस कमीशन ने एक और स्टैंडर्ड बना दिया और उसको नाम दे दिया जी इम्पैक्ट प्रोटेक्शन। इम्पैक्ट प्रोटेक्शन क्या होती है कि आपका कैमरा कितना मजबूत है, तो वो जो रेटिंग होगी ना वो IK रेटिंग कहलाती है, ठीक है। ये भी सेम IEC ने बनाया, उसको एक नंबर दे दिया 50102 को, और इसकी जो रेटिंग होती है ना वो 01 से लेके 10 तक होती है। IK01 हो गया, IK10 हो गया मैक्सिमम, ठीक है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि अब कितना कितना हमारा कैमरा मतलब रॉबस्ट है, ठीक है, वेंडल रेजिस्टेंट, इसके लिए एक और टर्म यूज़ होती है वेंडल प्रूफ या वेंडल रेजिस्टेंट, ठीक है, वरना IK से ही वो रिप्रेजेंट कर देगा कि IK रेटिंग क्या है। तो ठीक है, इसके अंदर जो है ना उसने बताया कि लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या है किसी भी पर्टिकुलर कैमरे की हाउसिंग का या उसके इंक्लोजर का, ठीक है, अगर मैकेनिकल इंपैक्ट होता है तो वो कितना सॉलिड है। इसके अंदर जो है ना इस टेस्ट के अंदर IK टेस्ट के अंदर क्या होता है, बार दफ़ा आप लोग जब डाटा शीट्स देख रहे होते हैं और आपको लगता है ना कि यार इसने थोड़ी सी कुछ लगभग फेक है, यानी मतलब इतना कैमरा आप कैमरे की बॉडी को जो है ना जब हिट करते हो ना तो आपको वैसे ही मालूम हो जाता है कि IK10 है कि नहीं, क्योंकि वो बड़ी सख्त होती है। तो अगर आपको लगे कि नहीं यार नहीं ये तो कुछ फेक सा लग रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, आपको फिर आप टेस्ट सर्टिफिकेट्स मंगवाते हो, ठीक है, उस डाटा शीट के अगेंस्ट जो उसने रेटिंग दी हुई होती है। आप उससे कहते हो कि भाईजान ये जो आपने कैमरा ये जो आपका कैमरा है आप इसके अगेंस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट्स भी जमा कराओ ताकि इस रेटिंग की वेरिफिकेशन हो सके। अब आपको पहले पता तो हो कि उस टेस्ट में होता क्या है। बेसिकली जब हम लोग IK रेटिंग की बात करते हैं उसके अंदर दो टेस्ट होते हैं, एक ड्रॉप टेस्ट कहलाता है, एक स्ट्राइक टेस्ट कहलाता है। जब आप उसके टेस्ट सर्टिफिकेट्स देखोगे ना आप उसी सूरत में देख सकते हो जब आपको मालूम हो उसके बारे में, ठीक है। तो जब आप उसका टेस्ट सर्टिफिकेट देखोगे ना तो उसके अंदर दो टेस्ट का जिक्र हुआ होगा, एक ड्रॉप टेस्ट एक स्ट्राइक टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कैमरे को एक जगह पे रखते हैं और एक सर्टेन मास का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो सर्टेन मास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितना मास होता है उसका, वो मैं अभी आपको इसमें बताऊंगा इस चार्ट में देख के, ठीक है। बस ड्रॉप टेस्ट में क्या होता है, कैमरा रखा हुआ होता है एक जगह पे, एक सर्टेन मास का ऑब्जेक्ट जो है ना एक सर्टेन हाइट से उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। स्ट्राइक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपने कैमरे को जो है ना कैमरे की हाउसिंग को हिट किया जाता है एक सर्टेन मास के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और ये चेक कर लिया जाता है कि वो है मतलब वेंडल रेजिस्टेंट है कि नहीं। और ये जो सर्टेन मास का जो ऑब्जेक्ट है ना, सर्टेन मास मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट रेटिंग के हिसाब से डिफरेंट उसका मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग हिट करते हैं या हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग गिरा रहे हैं ना कैमरे के ऊपर ड्रॉप टेस्ट के अंदर और स्ट्राइक टेस्ट के अंदर, तो वो एक सर्टेन स्पेसिफाइड मटेरियल का बना हुआ भी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ उठाई और आपने मार दी खींच के, ठीक है। तो अब देखें जी ड्रॉप टेस्ट होगा तो क्या होगा, 0.14 जो है ना उसका 0.25 उसका मास होगा, ठीक है, कि बस 0.25 उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम कम या 0.25 तक, ठीक है। स्ट्रोक डाउन में जो है ना 56 मिलीमीटर का डिस्टेंस होगा और मतलब 56 मिलीमीटर के डिस्टेंस से आप उसको खींच के मार दें तो कोई मसला नहीं है। इस तरीके से 80 140 200 280 400 इस तरह से मास भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये 5 kg का जो है, जब आप IK10 की बात करते हो या IK9 की, तो दोनों में आप 5 kg के ही मासेस यूज़ कर रहे हो, मगर एनर्जी कितनी है 10 जूल की और 20 जूल की, ठीक है, एनर्जी में डिफरेंस आ गया। स्ट्रोक डाउन टेस्ट में अंदर डबलिंग हो गई, 200 से 400 हो गई और कुछ नहीं होता। जब आप कैमरे की डाटा शीट लेने के लिए जाते हो या जब आप कैमरे की डाटा शीट देखते हो ना तो उसके अंदर IK9 या IK10 का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। नॉर्मली आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो IK10 रेकमेंड किया जाता है इंडोर आउटडोर दोनों ही, क्योंकि रेनोवेशन का कोई काम चले या इनसाइड या जो है ना कभी मतलब आर्किटेक्ट के अंदर जो है ना अगर बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के अंदर कोई चेंज लाना होता है तो फिर जब कैमरे को डी माउंट कर रहे होते हैं
तो उसके अंदर जो है ना कैमरा बाज़ दफ़ा गिर जाता है, ये हो जाता है, या उसको कोई हिट कर देता है तो फिर जो है ना। और दूसरी बात, इन जो इंट्रूडर होता है, जो थेफ्ट होता है, वो भी जो है ना अगर हिट करने की कोशिश करे तो एटलीस्ट 5 kg रिक्वायर्ड होता है, वो बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, तो आई की रेटिंग भी समझ में आ गई आपको, आपको IP रेटिंग भी समझ में आ गई। अब वैंडल रेजिस्टेंट की बात की जाए या वाटर प्रूफ या वेदर प्रूफ की बात की जाए, तो आप समझ जाएंगे IP रेटिंग की बात हो रही है या IK रेटिंग की बात हो रही है। ठीक है, ये आगे डाटा शीट में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, तब आपको और भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो है ना ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी आपने बस ये समझना है कि IK रेटिंग क्या होती है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो है ना ये आपके इनक्लोजर की या आपके जो कैमरा की हाउसिंग होती है, ये उसकी रॉबस्टनेस को बता रहा होता है। इसी तरीके से IP रेटिंग आपके लिक्विड और सॉलिड प्रोटेक्शन लेवल को बताता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ कैमरे में। अब ये आप इतने सारे टाइप्स देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी डोम कैमरे की। ठीक है, डोम कैमरा क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज़, ये और बस ये वाली डायग्राम, ये दोनों डोम कहलाती हैं। डोम क्या है, एक शेप का नाम है, इसीलिए हम इसको डोम कैमरा कहते हैं। सबसे पहली चीज़ समझ लें, एक सर्कल, एक ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ आपकी डोम कहलाती है। ठीक है, ये समझ लें कि एक कुर्सी है जिसके अंदर कैमरा बैठ गया जाके। ठीक है, तो ये जो है ना इसकी ख़ास बात होती है इस कैमरे की। जब कभी भी डोम कैमरा आप रेकमेंड करते हो ना, ज़्यादातर आपको बैंक्स में, ऑफिसेज में, रिटेल शॉप्स वगैरह में नज़र आता है। एक तो पहली बात ये ख़ूबसूरत होता है, ठीक है, आप कहीं पर लगा दो तो ये आपके ऑफिस की या बिल्डिंग की खूबसूरती को हिट नहीं करता, बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगता है बहुत अच्छा। इसकी जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बता रहा था वो ये था कि इसकी ना डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लोग। ठीक है, एक तो ये लगा हुआ ऊपर होता है, मतलब लाइक ये सीलिंग माउंट भी हो सकता है, ये वॉल माउंट भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट हाउसिंग्स में आ सकता है ये। ठीक है, इंडोर आउटडोर दोनों होता है। ठीक है, अब इंडोर आउटडोर कैसे पता लगेगा आपको, ये रेटिंग देख के पता लगेगा। IK10 है, ठीक है जी, IP66 है, मिनिमम IP66 होता है तो हम लोग आउटडोर यूज़ करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाटर, जैसे बारिश होती है, कभी आंधी आ जाती है तो डस्ट पार्टिकल उठते हैं, बड़ी प्रेशर होता है उनके पार्टिकल्स का, तो IP66 मिनिमम टाइटली डस्ट पार्टिकल, और 66 में जो है ना वो वाटर जेट्स भी स्ट्रांगली बर्दाश्त कर सकते हैं। तो डोम कैमराज में जो है ना ये क्या हो गया, इनकी जो पोजीशन होती है ना कैमरे की, वो देख के कोई बंदा बता नहीं सकता कि ये कैमरा कहाँ पे देख रहा है। इसकी ये खासियत होती है, मतलब आप डोम की तरफ देखेंगे और आप ये देख के नहीं बता सकते कि ये कहाँ देख रहा है। तो इसकी पॉइंटिंग जो होती है ना, डायरेक्शन की, वो हिडन होती है, कॉवर्ड होती है। कॉवर्ड को भी हम हिडन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर इस ये जो डोम शेप है, अब आप लोगों को पता चल गया कि ये जो चीज़ कहलाती है ये डोम कहलाती है, अगर इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये खुद भी ब्लैक है, ये मैं एरो से बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ना अगर ये स्पिन हो सके, मतलब लाइक ये इधर भी जा सके, सही है ना, ये इधर भी जा सके, इधर भी जा सके और ऊपर नीचे भी जा सके, तो ये चीज़ कहलाएगी पैन टिल्ट। ठीक है, पैन, सॉरी, पैन कहलाता है जी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और टिल्ट कहलाता है जी वर्टिकल। थोड़ा सा मैंने इसलिए नीचे लिखा है, आगे टाइप्स लिखा होता तो आपको शायद नजर ना आए। ठीक है, टिल्ट कहलाता है जी वर्टिकल और पैन कहलाता है हॉरिजॉन्टल। अगर ये लेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करने की सलाहियत रखे तो उसको हम कहते हैं स्पीड डोम। ठीक है, आगे इसका जिक्र होगा, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब डोम कैमरे से रिलेटेड थोड़े सा और मैं बता दूं कि जो है ना कि एक तो ये जब किसी की रीच में होता है, सही है ना, तो अगर मिसाल के तौर पे आपने एक ऐसी ऐसी जगह पे लगा दिया जहाँ पे हर बंदे का हाथ पहुँच सकता है, तो ये इतनी आसानी से मैनिपुलेट या वेंडलाइज नहीं हो पाता, मतलब लाइक इतनी आसानी से इसको नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। ठीक है, पता ही नहीं होता कहाँ देख रहा है। बहुत सारे लोग तो इसे स्मोक डिटेक्टर समझते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और समझ रहे होते हैं, ठीक है, कोई डेकोरेटिंग पीस समझ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ही बता दी। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस लेंस, ये जो आगे कवर होता है ना डोम, ये टेंटेड भी होता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे अगर ये टेंटेड होता है तो कैमरा देख किस तरह से रहा है। आपने वो वाला ग्लास देखा होगा जिसके बाहर से तो लोग नहीं देख पाते अंदर, मगर अंदर से लोग देख रहे होते हैं, कैमरे का भी वही सीन है। ठीक है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसी डोम के अंदर ना IR भी लगा हुआ होता है, ये देखें, ये IR LEDs होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये रात में जब एक सर्टेन लाइट लेवल जब नीचे चला जाता है तो फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आ जाता है, और ब्लैक एंड व्हाइट मोड उसी वक्त चल रहा होता है जिस वक्त इसके पास
लाइटनिंग कंडीशंस मौजूद हो। अगर तो लाइटनिंग कंडीशंस मौजूद हैं तब तो ठीक है, नहीं अगर आपको पता है यार, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ स्टेयर केसेस ऐसी होती हैं जब जिनका डोर बंद होता है तो सेंसर बेस्ड होती हैं, वो लाइट बंद हो जाती हैं, बिल्कुल कम्प्लीटली डार्कनेस हो जाती है, जैसे आपने दरवाज़ा खोला लाइट जल गई, सेंसर बेस्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आपने जब आप स्टेयर केस के अंदर कैमरा लगा देते हो, मतलब उसके एरिया के अंदर लगाते हो, तो फिर क्या होता है, जब आपने दरवाज़ा बंद कर दिया लाइट बंद हो गई, तो ये IR के थ्रू कैमरा देख रहा होता है, ठीक है, इन्फ्रारेड रीजन के अंदर। ये भी आगे आगे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल, बस आप ये देख लें कि IR ये होती हैं, ठीक है, इन्फ्रारेड LEDs। तो अच्छा, ये चूंकि डोम के अंदर होता है इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा लेंस वेरी फोकल नहीं हो पाती, ठीक है ना। वेरी फोकल से क्या मुराद है कि लाइक जिसकी लेंस चेंज हो सके, सही है ना, एंगल ऑफ व्यू आप चेंज कर सकें, अपना फील्ड ऑफ व्यू चेंज कर सकें। तो फील्ड ऑफ व्यू कितना ज़्यादा चेंज होता है, नॉर्मली 3 mm से या 2.8 mm से या 2.6 mm से ये शुरू होता है, और मैक्सिमम मेरे ख्याल है 9 mm तक या 12 mm तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बस, और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि डोम कैमरा जो होता है ना वो प्लास्टिक का भी होता है इसका डोम, और वैंडल प्रूफ केसिंग भी होती है, ठीक है। तो ये जी था डोम कैमरा, आगे चलते हैं बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा देखते ही आप समझ गए होंगे कि जो है ना कि ये बुलेट नाम क्यों है, ये बिल्कुल ये क्योंकि बुलेट शेप का होता है, सैलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, थिन होती है, स्लीक होता है, खूबसूरत सा है, ठीक है। मगर इसके साथ एक बहुत बड़ी बुराई क्या है कि इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, पॉइंट कर रही है, मतलब हर बंदा इंट्रूडर देखते ही समझ जाएगा ये कैमरा मेरी तरफ देख रहा है, हो सकता है वो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करके चला जाए, वो पहले सामने से आ रहा था अब वो छलांग मार के चला जाए। मगर इतना आसान नहीं होता, अगर आप फेस टू फेस कैमरा लगाते हो ना, सही है ना, बल्कि एक मेरा दोस्त है वो तो फ्रंट टू फ्रंट कहता था, ठीक है। तो ये फेस टू फेस कैमरा क्या होता है, लाइक अगर ये कैमरा है, ये एक कैमरा ऐसे देख रहा है, ठीक है, और आपने एक और कैमरा आपने आगे ऐसे लगा दिया, तो ऐसे इतना लोग रेकमेंड नहीं करते कि यहाँ से यहाँ तक इसने इस कैमरे ने देखा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कैमरा देख रहा है, ऐसे इसको रेकमेंड किया जाता है कि ये कैमरा हो गया, ये एक कैमरा यूँ देख रहा है और एक कैमरा यूँ देख रहा है, ठीक है। ये इसके ब्लाइंड स्पॉट को कवर कर रहा है, ये वाला कैमरा इसके ब्लाइंड स्पॉट को कवर कर रहा है, और ये वाला कैमरा इसके ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट भी देखना होता है, और ये एक ऐसा देख रहा है, ठीक है। और ये आ गया जी ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो ये फेस टू फेस कहलाता है। फेस टू फेस पोजिशनिंग के अंदर क्या होता है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता और आप दोनों तरफ आसानी से देख लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में, बुलेट कैमरे के बारे में शोर मचाते हैं कि भाई IP66 नहीं होता, IK10 नहीं होता, नहीं जी बिल्कुल होता है। और अगर कोई ऐसा कहता है तो बोलें भाई आप देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इसको IP66 IK10 दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। शॉर्टर और मिडिल डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली इसके अंदर जो यूज़ हो रहा होता है फिक्स लेंस यूज़ होता है, मगर वेरी फोकल होते हैं और वेरी फोकल ही रिकमेंड किया जाता है, ऐसा नहीं है कि वेरी फोकल नहीं होता। हर वो कैमरा जो जो कैमरा होगा उसकी सिर्फ टाइप देखनी होगी और आपको पता होगा कि उसके अंदर फिक्स भी यूज़ हो सकता है, उसके अंदर वेरी फोकल भी हो सकता है, कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो सिर्फ फिक्सड हो, ठीक है। सवाए एक था मेरे ख्याल है, एक था प्रिज्म बेस्ड लेंस था, वो फिक्सड होता है, वो इतना ज़्यादा आपको नज़र ही नहीं आएगा कहीं पर, वो बस प्रिज्म बेस्ड होता है। और एक और भी था मगर खैर वो ज़्यादा लेंस की इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, और वो अब मेरे ख्याल है ऑब्सोल्युट होगा, ठीक है। वो हिडन कैमरे के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, वो जब पिन होल की बात करते हैं तो वो पिन होल पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, जिस तरीके से पिन होल में क्या होता है कि बस छोटा सा लेंस होता है और वो बहुत ही स्मॉल सर्कल से देख लेता है, इसी तरीके से वो प्रिज्म बेस्ड जो होता है ना उसके अंदर वो क्या होता है, वो पूरा दीवार के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर माउंट हुआ होता है, सिर्फ प्रिज्म बाहर निकला हुआ होता है और वो देख रहा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, खैर मैं ये हमें बात कर रहा था आपसे बुलेट कैमरा की। तो बुलेट कैमरा के अंदर नॉर्मली 3.6 mm का अगर आप फिक्स्ड लेंस यूज़ कर रहे हो तो 3.6 mm का होता है, जो नॉर्मली 80 डिग्री आपको देख रहा होता है, मगर ये अब सेंसर के साइज़ के ऊपर होता है, तो इतना ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेंगे 3.6 mm तक लगभग आपको 80 डिग्री दे रहा होता है। और 4 mm का अगर आप यूज़ कर लें तो फेशियल रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर आप जब मेन एंट्रेंसेज वगैरह या रिसेप्शन पे जो है ना कैमरा की प्लेसमेंट करते हो ना, तो आपको फेस रिकग्नाइज करना पड़ता है। तो फेस रिकग्निशन आपकी कहाँ पे होती है, यूजुअली 35 फीट पे हो रही होती है अगर 4 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं होता ये वेरी कर रही होती है, 6 से 7 मीटर का डिस्टेंस हम लोग जो है ना, आगे जाके ये भी बता दूंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मगर इतना ज़्यादा डेप्थ में कोई करता नहीं है कि आप साइट पे जाके अगर आप ये सब करने लग गए, इतनी कैलकुलेशन करने लग गए, वो तो बंदा ही परेशान हो जाएगा, वो कहेगा पता नहीं कितना खर्चा मुझे बता दे, तो इसलिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली आप अंदाज़ा कर लेते हो, ठीक है। ये डोम, ये बुलेट कैमरे की तस्वीरें, ठीक है, ये और ये,
इसमें भी आईआर वगैरह सब होता है, जैसे देख रहे हैं ये आईआर है, ये भी आईआर है, ठीक है आगे आ जाएं जी। अच्छा इसके अंदर ना ये जो लेक्चर पार्ट वन है, पार्ट टू की भी यही स्लाइड्स होंगी, इसके अंदर पहले कुछ टाइप्स के कैमरे मैंने डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट मतलब पार्ट टू में मैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ कैमरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कवर्ड कैमरास नाम से ही आपको पता चल गया हिडन होता है। एक मैंने आपको लेक्चर नंबर वन के अंदर ये दो चीज़ें बताई थी, लेक्चर वन था या लेक्चर टू था शायद, कवर्ट होता है और एक ओवर्ट होता है, OVERT। कवर्ट वो होते हैं जो नज़र ना आए, ओवर्ट वो होते हैं जो ओपन होते हैं, लाइक आप अपने CCTV कैमरा, डोम कैमरा और बुलेट कैमरा जो अभी आपने पढ़े वो ओवर्ट कैमराज हैं, वो नज़र आने वाले कैमराज हैं, ठीक है। तो कवर्ट कैमराज ये देखें जी, ये स्मोक डिटेक्टर है, इसके अंदर हिडन कैमरा कहाँ लगाया हुआ है ये देखें, ये कोई बंदा देख के नहीं बता सकता कि जो है ना ये रहा हिडन कैमरा, ठीक है। इस तरह से गाड़ी की चाबी है, देखें इस गाड़ी की, ये दिखने में तो गाड़ी की चाबी लग रही है, और यहाँ पे क्या क्या, USB भी है, रिसेट का बटन भी है, माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है, बिल्ट इन रिकॉर्डिंग है इसकी, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो अपने एरिया को अंडर सर्विलेंस रखना चाहें मगर ये बात ना बताना चाहें कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, वो छुप के रिकॉर्डिंग करना चाहें, तो वो इस कैमरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे स्टाइल में आता है, ये वायरलेस भी आता है, ठीक है, और ये वायर्ड बेस भी आता है, ठीक है, और उसके अलावा ये इस तरह से भी आ रहा होता है कि बिल्ट इन SD कार्ड अंदर डाल दिया और कैमरा लेंस वेंस सारी चीज़ें एक बॉक्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, ठीक है। ज़्यादातर जो ये कैमरा यूज़ होता है ये चाइल्ड मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, जो अक्सर मेड सर्वेंट्स वगैरह जो है ना होते हैं घर में, और जो है ना जो पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं या कुछ भी सिनेरियो की वजह से पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर वो सर्विलेंस के लिए इसे यूज़ कर लेते हैं, या ये भी चेक करते हैं कि जो है ना कोई चीज़ चोरी तो नहीं कर रहा मेड या सर्वेंट्स वगैरह, इस पर्पज़ के लिए होते हैं, होम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। हिडन कैमराज किस किस चीज़ों में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं, अलार्म क्लॉक्स इंक पेन सही है, दूसरे आइटम टाई में शर्ट में सही है ना, और लैंप्स में, ठीक है, बल्ब में, स्मोक डिटेक्टर्स में, बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं, ये देख रहे हैं ये चाबी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एक बहुत ज़रूरी बात भी बतानी है कवर्ड कैमरा से रिलेटेड, जब कभी भी आप हिडन कैमरा यूज़ करने के लिए यूज़ करने लगें तो आपको अपने कंट्री के लॉस का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो है ना कि आपकी जो कंट्री है ना वो इस बात को इजाज़त ही नहीं देती कि आप हिडन सर्वेलियंस करें किसी की भी, ठीक है। तो चेक कर लें कि भाई क्या लॉ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे US के अंदर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें मसला नहीं है, मगर जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ये लॉ इजाज़त नहीं देता इसका, ठीक है। माइट भी के चेंज हो गया लॉ, मगर ये पुराने वक्तों की बात है, ठीक है। न्यूयॉर्क लॉ जो है ना, मतलब वही है, न्यूयॉर्क लॉ के अंदर स्मोक डिटेक्टर कैमराज जो है ना उसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, अगर स्मोक डिटेक्टर के अंदर कैमराज हैं तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। और जो ऑडियो है, अगर ऑडियो से रिलेटेड अगर आप ऑडियो स्निफ करना चाह रहे हो, सॉरी स्निफ कह रहा हूँ, अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो उसके बड़े स्पेसिफिक लॉज हैं, ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी हो रहे होते हैं, तो ये भी आपको पता लग गया। कवर्ड कैमराज, बोर्ड कैमराज देखें जी, बोर्ड कैमराज क्या होते हैं, तो बोर्ड कैमराज भी एक सम सॉर्ट ऑफ ए हिडन कैमरा होता है, ठीक है। ये एक स्मॉल साइज़ का होता है, इजीली एम्बेड हो जाता है, समझ लें इजीली लग जाता है ये किसी भी स्पाई कैमरे में, ठीक है। ये सर्किट बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, अब आप इसको कहीं पे भी लगा लें, आप इसको दीवार के अंदर फिट कर दें, आप इसको किसी स्मोक डिटेक्टर में फिट कर दें, आप कहीं पे भी कर लें, या आप इसको जो है ना इस बोर्ड को किसी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इसके आइडियाज़ हैं कि आप इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ये समझ लें ये बोर्ड कैमराज होते हैं, इसमें लेंस जो है ना लगा हुआ होता है सीधा आपके सर्किट बोर्ड के साथ, ठीक है। तो सही है ना, और ये अक्सर बेशतर आप इसको देखेंगे ना तो ये प्रोटोटाइप में देखेंगे, कभी कोई बंदा CCTV का प्रोजेक्ट बना रहा था, उसने कोई प्रोटोटाइप देना हो या कोई नया आइडिया कन्वे करना हो तो वो बोर्ड सर्किट कैमराज वो यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। ये जो आपकी मेडिकल इमेजिंग हो रही होती है ना हॉस्पिटल्स के अंदर, या क्वालिटी कंट्रोल होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, मिलिट्री यूज़ के लिए भी जो है ना, कॉवर्ट ऑपरेशन के लिए, या अनमैंड सर्वेलेंस सिस्टम्स जो होते हैं उसमें भी बोर्ड कैमराज यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है, कोई चीज़ होती है वो जो है ना, जब आप जब ये नॉर्मली हार्ट पेशेंट्स की होती है तो उसके अंदर जो है ना, जब इंटरनली बॉडी के अंदर जो है ना, बॉडी के अंदर आप ये समझ लें कि कुछ
डायग्नोज करना होता तो फिर ये मेडिकल इमेजिंग यूज़ हो रही होती है, ठीक है। बोर्ड कैमराज जो है ना एक लेंस के ऊपर माउंट हुआ हुआ होता है जिसके साथ एक एक स्मॉल सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये जो कैमरा और सर्किट बोर्ड होते हैं ना ये किसी केसिंग में इनकेस नहीं हुए हुए होते, ठीक है। यही वजह है कि जो है ना वो इजीली कस्टमाइज आप कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ, और इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जो मिनीएचर बोर्ड कैमराज होते हैं ना ये मिनीएचर कहलाते हैं, ठीक है। मिनीएचर बोर्ड कैमराज होते हैं या पिन होल कैमराज होते हैं ना, वो अगर आपने कभी भी स्मॉल ओपनिंग से, मतलब आपने एक कहीं पे छोटा सा होल है और आपने देखना कि यार मैं इस होल को यूटिलाइज़ करवा लूँ, तो फिर ये जो है ना सारे कॉवर्ड कैमराज ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये भी पिन होल है, ये भी बोर्ड है, बोर्ड के साथ ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा सा कैमरा लगा हुआ हो ये, ठीक है। ये हो सकता है छोटा सा हो, इसको पिक इतनी बड़ी से ले ली है या साइज़ बड़ा कर दिया। अब ये देख रहे हैं ये भी पिन होल है, ठीक है। इसमें IR भी लगी हुई है, देखें ये जो छोटी सी वाइट चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये IR है, मतलब ये रात में भी देखने की काबिलियत रखता है, ठीक है। तो हाई क्वालिटी होती है, ड्यूरेबल बोर्ड होता है इसका, मतलब अच्छा मजबूत बोर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि जो है ना डे लाइट कैपेबिलिटी भी होती है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम बोर्ड कैमराज और जो कॉवर्ड कैमराज होते हैं ना ये नॉर्मली 1 मेगापिक्सल तक देखने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। लो लाइट में भी देख सकते हैं, अब तो ये 0 लक्स पे देख सकते हैं, मतलब ये जब बिल्कुल ही लाइट ना हो तब भी देख सकते हैं क्योंकि इसके साथ IR लगी हुई, ठीक है। आगे चलते हैं जी, बोर्ड कैमरा समझ में आ गए, कॉवर्ड कैमरा समझ में आ गए, अब आ जाएं जी आउटडोर इनडोर, ठीक है। ये डे नाइट कैमरा है ना इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम Part 2 में देखेंगे, ठीक है। आउटडोर कैमराज क्या होते हैं, आउटडोर कैमराज, इनडोर आउटडोर, सबसे पहले तो इनडोर आउटडोर से वैसे ही आपके जहन में लफ्ज़ आ जाना चाहिए। ये इनडोर आउटडोर कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक आपका बॉक्स कैमरा हो सकता है, आपका बुलेट कैमरा हो सकता है, आपका डोम कैमरा हो सकते हैं, कॉवर्ड कैमराज, आउटवर्ड कैमराज कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनडोर आउटडोर किसी भी पर्पज़ में लगा सकते हैं, ठीक है। इनडोर आउटडोर में सबसे पहले क्या क्या चीज़ चेक करनी है, IK रेटिंग, IP रेटिंग, देखा ये चीज़ यहाँ काम आनी थी इसीलिए मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। जो है ना आउटडोर इनडोर का स्टाइल कैमरे का सेम हो सकता है, साइज़ सेम हो सकता है, शेप सेम हो सकती है, मगर जो उनका आउटडोर और इनडोर में वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो होता है, सॉरी वर्किंग प्रिंसिपल कह रहा हूँ, जो मेन प्रिंसिपल फैक्टर होता है ना जो देखने का होता है वो वेदर प्रूफिंग होती है, सही है। वैंडल तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि अंदर भी कोई हथौड़ा मार सकता है और बाहर भी कोई हथौड़ा मार सकता है, ठीक है, या अंदर भी कोई नुकसान पहुँचा सकता है, बाहर भी इसको कोई नुकसान पहुँचा सकता है, मगर बारिश ये किसी भी ऑफिस के अंदर नहीं हो सकती, बारिश वो बाहर ही होगी, ठीक है। जो फोग होती है वो किसी भी कैमरे के रूम स्टोर रूम के अंदर नहीं होगी, वो बाहर ही होगी, ठीक है। तो डस्ट बाहर ही चलती है, ठीक है ना, इसीलिए वेदर प्रूफ का डिफरेंस इज द मेन डिफरेंस। उसके अलावा अभी और भी मैं डिफरेंस बताता हूँ, सही है। अगर मॉइस्चर हो, डस्ट हो, सैंड हो, स्नो, फ्रॉस्ट, ह्यूमिडिटी की, ये सब आपको अगर आपको एड्रेस करने हो तो फिर आप जो है ना आउटडोर कैमरे की रेटिंग देखते हो, ठीक है, मतलब IP रेटिंग देखते हो, ठीक है। बास कैमराज ऐसे भी होते हैं जो हीटर्स में, उसमें हीटर्स भी लगे हुए होते हैं और शावर्स भी लगे हुए होते हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ बताऊँ, मैंने एक कैमरा अभी मैंने लास्ट वीक एक कैमरा देखा, वो PTZ कैमरा, तो वो आगे बताऊँगा क्या होता है, वो पैन टिल्ट ज़ूम होता है, ठीक है। तो वो कैमरा में क्या था, उसके आगे ना उसकी लेंस के आगे, उसकी केसिंग के आगे एक वाइपर भी लगा हुआ था, और वहाँ पे एक साइड में बॉटल भी थी जिसके अंदर आप पानी भर के रखते हो, और अगर आपको कभी आपको लगे कि आपके कैमरे के ऊपर मिट्टी लग गई है या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आउटर लेंस को, मतलब इमेज इतना साफ नहीं दे रही, आप जिस तरह से गाड़ी में वाइपर होता है ना, जो जैसे पानी का प्रेशर आता है और वाइपर चलने लग जाता है, इसमें से उसका भी छोटा सा वाइपर होता है, उसका इमेज मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी दिखाऊंगा, आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हो, देख लो, ठीक है ना। तो वो जो है ना, मतलब शावर्स होता है, वो शावर्स कहलाता है, हीटर्स भी होते हैं, ठीक है। बास कैमरे के अंदर हीटर भी, खैर बास कैमरे के अंदर जो हीटर्स होते हैं वो भी वो बता रहे थे कि लाइक अगर कोई मॉइस्चर वगैरह हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड जिन इलाकों में होती है ना तो उधर हीटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कैमरे की बॉडी को, मतलब उसके जो आप ये कह लें प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करते हैं, और जो इसी तरीके से उसके अंदर वो कोल्ड जो है ना, अगर कैमरे की बॉडी को मेंटेन रखना हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर इसी तरीके से उसके अंदर जो है ना, मतलब लाइक ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उसका नाम नहीं याद आ रहा, एक हीटर होती है और एक दूसरी चीज़ होती है जो उसको ठंडा रखती है, ठीक है। तो आउटडोर कैमराज जो होते हैं वो लो लाइट कंडीशंस होते हैं इवनिंग में। अच्छा उसमें क्या होता है, क्यों लो लाइट होते हैं,
इसका लो लाइट होना ज़रूरी है। अंदर जो है ना किसी भी बिल्डिंग के अंदर या इनडोर जो है ना आप लाइटनिंग कंडीशन को मेंटेन रख सकते हो, लाइक एक जगह पर 24 घंटे लाइट जल रही जलती रहेगी, ठीक है। मगर बाहर सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, इससे शेर याद आ गया, वो सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ज़िंदगी तमाम होती है, मगर खैर यहाँ नहीं तमाम हो रही कैमरे की। यहाँ पर क्या है कि लो लाइट कैमरा, लो लाइट कंडीशंस के लिए भी अब आपने ऐसा कैमरा लगाना होता है आउटडोर के लिए जो लो लाइट भी हो, ठीक है, ताकि अगर शाम हो जाए या रात हो जाए तो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी भी लाइट मिले तो वो अपना इमेज दिखा दे, सही है ना। अगर लाइट है ही नहीं, बिल्कुल आपको पता है यार यहाँ तो लाइट ही नहीं है इस इलाके में, अगर आप नॉर्मली पाकिस्तान की बात करते हो तो 8 बजे की रात में लाइट ही चली जाती है, वो किससे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उधर IR ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। IR क्या है, ये अगला कैमरा देख रहे हैं आप, IR कट फिल्टर और ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा, तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख लें कि जब लाइट नहीं होती तो IR रिक्वायर्ड होता है, अगर थोड़ी मोटी भी लाइट होती है तो फिर डे नाइट कैमरा यूज़ हो रहा होता है, वो ये डे नाइट कैमरा कहलाता है लो लाइट, और जो IR कैमरा कहलाता है वो कहलाता है नो लाइट, ठीक। बस इतना काफ़ी है। अभी इश्यूज़ क्या आते हैं आउटडोर वगैरह में, इनडोर में तो सही है, आपने ऐसी जगह पर लगा दिया, खींची तार और सीधा ले आके, पहला पहला जो मसला आता है वो आता है पावर सोर्स का। इंडोर के अंदर कोई मसला नहीं है, कैमरा वहीं पे लगा दिया, सामने एक पावर सोर्स लीड से आपने कनेक्शन कर दिया। अब पार्किंग लॉट में कहाँ से कैसे आप जो है ना उसको पावर देंगे, तो पावर सोर्स का मसला आता है, तो आपने पहले से अगर पावर सोर्स उधर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने पहले पावर सोर्स का बंदोबस्त करना होता है। दूसरी चीज़ लाइटनिंग का है, ऐसा ना हो कि भाई लाइट ही नहीं है वहाँ पर, आपने एक जो है ना डे नाइट कैमरा लगाया हुआ है मगर उधर तो लाइट ही नहीं है, ठीक है, लाइटनिंग कंडीशन ही इनफ नहीं है। तीसरी चीज़ टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा टेम्परेचर ना हो कि भाई वो जिसकी वजह से जो है ना सर्किट में प्रॉब्लम हो, नॉइज़ आनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो टेम्परेचर भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता जैसे मिसाल के तौर पे एक US में चलने वाला कैमरा वो पाकिस्तान में भी चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उधर के टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं, यहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं, इसीलिए वो हीटर्स और ब्लोअर्स और पतली शावर्स वगैरह सब ड्रामेबाजी हो रही होती है, ठीक है। डे नाइट अगले में देख लेंगे। वेरीफोकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरीफोकल कैमरा। वेरीफोकल कैमरा के अंदर क्या होता है, बस सिंपली इस कैमरे के अंदर कोई ख़ास बात नहीं है, ये वेरीफोकल इंडोर आउटडोर डोम बुलेट और अभी आपने पहले कौन सा पढ़ा, आउटडोर इंडोर, सही है ना, ये सब हो सकता है। बस वेरीफोकल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेंस की एक रेंज होगी आपके पास, लाइक 3 mm से लेकर 12 mm तक हो सकती है, आपके पास 3 mm से लेकर 30 mm तक हो सकती है, कुछ भी रेंज हो सकती है। वेरीफोकल एक और टर्म कहलाती है, वो जूम लेंस, एक कहलाती है वेरीफोकल लेंस, एक कहलाती है जूम लेंस। ये मैंने आपको उसमें लेक्चर नंबर मेरे ख्याल है 3 जो लेंस का था उसमें मैंने आपको बताया था, वेरीफोकल के अंदर क्या होती है रेंज शॉर्टर होती है, जूम लेंस के अंदर रेंज बिगर होती है, तो फिर यही दोनों का डिफरेंस होता है। वेरीफोकल के अंदर आपको मैनुअली जो है ना उसको जूम जब आप वेरीफोकल के अंदर जब आप चेंज करते हो ना लेंस का साइज़, लाइक 3 mm से 4 mm या 4 mm से 5 mm या जब भी चेंज करते हो ना 3 mm से 12 mm के दरमियान ये नॉर्मल रेंज होती है, तो आपको फोकस भी सेट करना पड़ता है, जबकि जूम लेंस के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली फोकस सेट कर रहा होता है, जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे फोकस करता जाएगा, ठीक है। अगर ना यकीन आए तो फिर आप गूगल आप यूट्यूब पे जाओ और आप यूट्यूब पे जाने के बाद लिखो PTZ जूम, सही है ना, तो आप जो वीडियोज आएंगे आपके सामने आप उसमें देख लो, वो जैसे जैसे जूम करता जाएगा देखेंगे वो खुद ही फोकस भी होता जाएगा, मगर ये वेरीफोकल के अंदर आपको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये देख लें, ये जो मैंने डायग्राम लगाई है ना इस दफ़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। अगर एंगल 100 है तो लाइसेंस प्लेट, गाड़ी की लाइसेंस प्लेट देखना बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोग NPR LPR लाइसेंस प्लेट नंबर प्लेट रिकग्निशन के कैमराज लगा रहे होते हैं मगर वो स्नैपशॉट्स दे रहा होता है, अगर किसी को कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो वेरीफोकल कैमरा लगाता है, ठीक है। जो NPR LPR होता है उसका सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर बड़ी ड्रामेबाजी होती है और वो जो है ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, वो आपकी CCTV सिस्टम से जो है ना इंटीग्रेट भी नहीं होता, ठीक है, उसका अलग ही सॉफ्टवेयर होता है, अलग मॉनिटर अलग प्रोसेसर वगैरह सब, तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं क्या दूसरा CCTV सिस्टम भी लगाऊं नंबर प्लेट के लिए, तो क्यों ना मैं 1.3 megapixel का ही लगा लूं, तो ये डिस्टेंसेज मुझे मेंटेन कर लूं ना तो मुझे नंबर प्लेट नज़र आ जाएगी, ठीक है। एंगल 100 है तो 1.5 meter तक वो लाइसेंस प्लेट देखने की स्लाइड रखता है, वो 2.5 mm लेंस होती है, 2.8 पे क्या हो गया 90 mm है तो 2 meter तक देख लेगी, ठीक है। 3.6 mm है तो वो 75 angle देखेगी और 2.5 meter तक जाएगी, इस तरह से करते 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 जब ये 12, 16, 25, 60 तक जाएगी तो ये 50 मीटर तक देखने की सलाहियत रखेगी और ह्यूमन फेस 70 मीटर तक, 70 मीटर पे एक बंदा खड़ा कर दें आप तो फिर जो है ना उसको जूम करें 60 mm की लेंस लगा के तो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मगर ये भी देख लें कि इसका जैसे जैसे ये एंगल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे ये एंगल यहाँ का जो है ये वाला और ये वाला
ज़्यादा था, रेंज कम थी। ये देख रहे हैं, ये हम लोग कहते हैं ना कि यार इसको कम रखो तो वो रेंज बढ़ जाएगी, जैसे जैसे ये बढ़ते हुए ये, सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ये जो है ना, या मैं आपको बता दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख रहे हैं अभी इतना सा रह गया वेरीफोकल में, मगर क्या है एंगल ऑफ व्यू तो इसका कम हो गया, ये वाला एंगल तो इसका कम हो गया मगर ये डिस्टेंस बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने कभी पार्किंग लॉट्स को कवर करना होता तो फिर आप ज़रा एंगल कम रखो, 45, 50, 55 रख लो ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस देखें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई वेरीफोकल, आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो एरिया, कभी भी चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टेलीफोटो में। टेलीफोटो में नैरोअर बोथ कैन बी डन, सही रहा एक ही सिंगल लेंस से। नेटवर्क आईपी, वायरलेस कैमरा, पीटीजी, ये तो हाई स्पीड नेटवर्क आईपी। ठीक है, नेटवर्क आईपी कैमरा ये हमारे इस स्लाइड की मेरे ख्याल है ये आखिरी कैमरा है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। आईपी कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा आईपी कैमरा कहलाता है, आईपी कैमरा नेटवर्क कैमरा कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक हैं। कैमरा क्यों होता है भाई? इस ताकि हम वीडियो या ऑडियो को सेंड कर सकें। अगर वो वीडियो और ऑडियो आईपी नेटवर्क के ऊपर सेंड किया जा सके, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को यानी लैन को या इंटरनेट यानी वैन को यूज़ करते हुए, वो चीज़ आपकी आईपी कैमरा कहलाता है। ठीक है, ये नेटवर्क कैमरा जो होता है ना, ये समझ लें लाइव व्यूइंग भी दे रहा होता है, रिकॉर्डिंग भी देता है। अब वो चाहे आप कंटिन्यूसली कर लें, कैजुअल बेस कर लें, या रिक्वेस्ट पे कर लें, जैसे जब कोई इवेंट ट्रिगर हो तभी रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसको हम सेव भी करवा सकते हैं लोकली रिमोटली। ठीक है, और बाकायदा हम इसमें जिस तरीके से आपके विंडोज़ के अंदर ऑथराइज एक्सेस होते हैं, इसी तरीके से आप इसमें भी ऑथराइज एक्सेस बना सकते हो। ठीक है, आईपी नेटवर्क कैमरे के अंदर क्या होता है, ये समझ लें कैमरा और कंप्यूटर एक ही यूनिट बन जाता है, मतलब ये कैमरा और कंप्यूटर का मिलाप है, आप ये समझ लें आईपी कैमरा। और कैसे देखें, जो कैमरा है उसके अंदर क्या है, मेन कंपोनेंट्स कैमरे के क्या होते हैं, लेंस होता है, इमेज सेंसर होता है, और सेवरल प्रोसेसर होते हैं या मेमोरी होती है। ठीक है, और मेमोरी होती है, सही है। लेंस आपको पता है कि स्ट्राइक करती है लाइट, वापस आती है, लेंस लाइट भेजता है सेंसर पे तो इमेज बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज सेंसर आप सबको पता है जिस पे इमेज बन रहा होता है। ठीक है, सेवरल प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मतलब प्रोसेसर क्या कर रहा होता है, इमेज प्रोसेसिंग कर रहा होता है, कंप्रेशन को देखता है, वीडियो एनालिसिस कर रहा होता है, नेटवर्किंग फंक्शनैलिटीज़ को भी डील कर रहा होता है। ये वही प्रोसेसर होता है वो जो डीएसपी होते हैं ना, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये वजह को कंप्रेशन को भी देखता है, वीडियो एनालिसिस भी कर रहा होता है कि किसी को कलर से पकड़ना हो, फेस रिकग्निशन करना हो, क्रॉस लाइन डिटेक्शन हो, इस तरह के ऑप्शन जो होते हैं ना वो भी देख रहा होता है। ठीक है, इमेज के अंदर लाइटनिंग कम ज़्यादा करनी हो तो इमेज प्रोसेसिंग होती है, इमेज के अंदर कोई भी चेंज जब करता है ना तो फिर ये होती है। मेमोरी किस लिए यूज़ होती है, अगर आपने कभी भी रिकॉर्डिंग करनी हो, ठीक है ना, तो आप पहले अपने एसडी कार्ड को भर लें, फिर उसके बाद आप हार्ड डिस्क में चले जाएँ, ठीक है, राउट करवा लें आप, या अगर कभी कैमरे का जो फर्मवेयर अपग्रेडेशन होती है ना वो भी आप, फर्मवेयर क्या होता है, लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एक ये, तो अगर आपने कभी भी फर्मवेयर को अपडेट करना होता है तो इसमें भी स्टोर किया जा सकता है। अब मैंने एक बात की थी छोटी सी कि जो है ना कि कैमरा कंप्यूटर की तरह भी काम करते हैं, क्यों, क्योंकि जिस तरीके से कैमरे का आईपी एड्रेस होता है, इसी तरीके से, सॉरी, जिस तरीके से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, इसी तरीके से कैमरे का भी आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो वायर्ड बेस्ड, चाहे तो आप वायर से कर लें, चाहे तो वायरलेसली कर लें। ठीक है, नेटवर्क कैमरा कहीं भी प्लेस किया जा सकता है जहाँ कहीं भी नेटवर्क मौजूद है, सही है ना। और वेब कैमरे से आपको इसका डिफरेंस वैसे ही पता होगा कि जो है ना, वेब कैमरा और कैमरे के अंदर क्या डिफरेंस है, कि वेब कैमरा जो होता है वो उसी वक्त ऑपरेट हो सकता है जिस वक्त कंप्यूटर ऑन हो और कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा हो। ठीक है, जबकि नेटवर्किंग कैमरा क्या होता है कि उसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका अपना इंडिविजुअल सिस्टम होता है, कैमरा वो कंप्यूटर बंद हो खुला हो उससे उसको कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से जो वेब कैम की जो लीड होती है वो भी मेरे ख्याल है 5-6 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती, 5-6 मीटर भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती, तो उससे ज़्यादा अगर आप लेके चले या 10-15 मीटर तक तो वीडियो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मगर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ये 100 मीटर तक जाती है रफली, इथरनेट केबल यूज़ हो रही होती है तो 100 मीटर रफली 300 फीट तक जाती है। ठीक है, और अगर आपने फिर भी चैन ना हो और आपने और आगे तक लेके जाना हो तो हो आप जो है ना मीडिया कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो, आप फाइबर लेके चले जाओ, मीडिया कन्वर्टर लगाओ, फाइबर से एक्सटेंड कर लो, या आप दूसरा स्विच लगाओ, एक लीड पकड़ो और एक और आगे ले जाओ। ठीक है, अब नेटवर्किंग कैमरे के अंदर क्या होता है,
FTP सर्वर, FTP बेस्ड होता है, FTP भी होता है, FTP सपोर्टेड होता है, ईमेल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसको प्लग इन करते हो ना किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ, तो फिर ये आपको एक बिल्ट इन वेब पेज दे रहा होता है। तो जब वेब पेज होता है उसके पास, तो वेब सर्वर की तरह काम कर रहा होता है ये, ठीक है। और अदर बहुत सारे IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ये जो है ना बता रहा था, RSTP और फलाना ढिमकाना, TCP/IP और ये, ठीक है। तो ये है जी वायरलेस कैमरा, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। PTZ हाई डेफिनेशन कैमराज, सही है। फिर उसके बाद मैं डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पे जी थैंक यू वेरी मच। और लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1 ख़त्म हो गया, तो इसको सुनिए, ये टाइप्स ऑफ कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लेक्चर नंबर 8 पार्ट 2 के अंदर जो है ना मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।